तो जैसा आप देख सकते हैं पतझड़ का मौसम, तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम में व्लॉग, तो फुटपाथ की तरफ कुछ ऐसा नजर आ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के समय फिर आ गया हूं आपका अपना भाई जी संगली, और मेरा आज का व्लॉग नैनीताल के वेदर के समय, मौसम के समय, पर्यटन के समय, और आज दिखाने वाला हूं नैनीताल में कैसा वेदर बना हुआ है। तो चलिए मैं व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ यूं करते हैं आज के व्लॉग। तो जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम में आयु नैनीताल की सन, नैनीताल के लेक के पास, और इस टाइम यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ टूरिस्ट की संख्या और नैनीताल की सन, नैनीताल के लेक, और हवा जो है काफ़ी तेज़ चल रही है, तो आपको पानी बोतल बोतल दिख रहा होगा यहाँ पे। और अब से मेरे जो है रेगुलर भी व्लॉग आएंगे, तो जैसा आप देख रही है नैनीताल की सन, नैनीताल की लेक, और वेदर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मौसम तो पूरा साफ है इस टाइम, बर्फ़ के कोई चांस ही नहीं लग रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले जो मौसम बिगड़ गया था तो ओले पड़े थे और हल्की बारिश भी हुई थी, तो उसके बाद से फिर से जो है मौसम पूरा खुशनुमा हो गया है, आप देख सकते हैं सामने इस तरीके से लोग चहलकदमी कर रहे हैं, कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से नैनीताल का मौसम बना हुआ है जनवरी के उसमें महीने में। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है इस टाइम, तो बहुत ठंडी हवा लग रही है, सुबह शाम तो काफ़ी ठंडा है नैनीताल में, और जब तक धूप है जब तक हल्की फुल्की गर्म है नैनीताल, और बोट्स भी इस टाइम कम चल रही हैं जैसा आप देख रहे होंगे सामने। और इस टाइम में फुटपाथ के पास, फुटपाथ की जो शॉप है अभी ओपन नहीं हुई है, ये 4 बजे से होती है। और इधर की तरफ भी देखेंगे आप तो मौसम पूरा क्लियर है और पतझड़ का मौसम, तो इस तरीके से है नज़ारा ये फुटपाथ का, और ये हमारी लेक। तो फुटपाथ की तरफ कुछ ऐसा नजर आ रहा है, अभी शॉप जो है ओपन नहीं हुई है, और इधर चल रहा हमारा क्रिकेट मैच, मौसम बड़ा प्यारा है, और अब देखते हैं कब तक ओपन होंगी, वैसे 4 ही बजे ओपन होंगी। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से नज़ारा है, और मैं पहुँच गया हूँ गुरुद्वारे के पास, और उधर की तरफ जहाँ मैं जा रहा हूँ उधर तो धूप आती नहीं है बिल्कुल। यह है TSC की कार पार्किंग जो कल दिखाई थी मैंने। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम में व्लॉग बनाते बनाते हैं अपने भाई की दुकान में आ गए, जो हमारे बोबो भाई हैं, आपको बताइए कि इनका भी यूट्यूब में चैनल है Bobo Eco 04। तो अक्सर मैं लाता हूं इनको, जो आप पहली बार देख रहे हैं तो इनके चैनल में जाइए, Bobo Eco 04 डिस्प्ले पर शो रहा होगा, तो चैनल में जाइए और इनके जो व्लॉग है वो देखिए, काफ़ी मज़ेदार व्लॉग होते हैं और काफ़ी अच्छे व्लॉग बनाते हैं। हालांकि ये डेली नहीं बनाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं वो लोग तो ऐसे व्लॉग बनाते हैं देखने लायक, तो मज़ा आ जाता है। तो आज फिर से जो है मैंने कंटिन्यू कर दिया, अपने व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है। आप लोगों को पता ही था कि जो मेरी शादी थी वो हमारी मेरी जो है जनवरी में निपट चुकी है, तो वो थी मेरी 7 जनवरी को। हालांकि मैंने डेट जो है रिवील नहीं करी थी, और मैं कर भी नहीं पाया था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था रिवील करने के डेट। तो 7 जनवरी को है मेरी शादी, जो निपट चुकी है, आज है 17 जनवरी। तो शादी हो चुकी है, तो शादी के कारण काफ़ी व्यस्त थे जिसान भाई, जिसान अली, जो कि इनका यूट्यूब चैनल है, काफ़ी अपडेट डेली का देते हैं। तो शादी के दौरान देख सकते हैं आप सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, लोग बिजी रहते हैं तो काफ़ी टाइम बिजी रहे, अब ये लोग फ्री हो चुके हैं तो अब आपको डेली ब्लॉग पहुँचाने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा, कोशिश ही नहीं, आप पूरा मेहनत कर रहे हैं आप तो डेली ब्लॉग लाने के लिए। तो इनके ब्लॉग आप देखते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे होते हैं, नैनीताल के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी, हर जगह की जानकारी, बारीकी से जानकारी, जिसान अली एकमात्र यूट्यूब चैनल का एक जिसान अली जो है सब अपडेट आप तक पहुँचाने के लिए आ चुके हैं, फिर से वेलकम बैक हो चुके हैं। तो शादी में काफी व्यस्त रहे थे और काफी मैसेज भी थे आपके, उसमें मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों Bobo Eco 04, उसमें भी काफी जिसान अली को बधाई देने के लिए काफी मैसेज आए हैं, तो मैं आज स्पेशल इनको मिलकर बधाई का वो देता हूँ कि बहुतों ने मुझे कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू मुझे कहा था कि जिसान भाई को बधाई दीजिए, शुक्रिया, थैंक यू। आज मुझे यहाँ पर जिसान भाई मिले हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई है आपको, थैंक यू। आप डेली ब्लॉग लेकर आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए भी आपको
स्वागत है जी जी। तो आप डेली अपडेट लेकर आएंगे जी जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो इन्होंने हमारा भाई का चैनल नहीं देखा होगा और डिस्प्ले शो होगा बोबो U204 देखिए। और मैं एक बात और बता दूं क्योंकि मुझे जो मेरा पार्टी रिसेप्शन था उसका मुझे व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं रिसेप्शन उसमें बैठा ही था चेयर में। तो हमारे भाई आए थे तो इन्होंने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है तो इनके चैनल में जाइए। और अगर आपको मेरा रिसेप्शन पार्टी का व्लॉग देखना है तो इनके चैनल में जाइए, इन्होंने व्लॉग बनाया तो उसको देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और रिसेप्शन पार्टी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप इंजॉय करिएगा कि कैसी मेरी पार्टी रही। तो चलिए आप आगे को बढ़ते हैं और दिखाता हूँ मैं नैनीताल की हसीन वादिया और कैसा वेदर बना हुआ है। तो जैसा आप देख रहे हैं चल रहा हमारा DSM में क्रिकेट मैच और मैं उस टाइम मस्जिद के पास, ये तो इस टाइम मैच चलते हुए देख रहे हैं आप और ये हो गया। तो इस तरीके से मौसम बना हुआ है DSM की कार पार्किंग सामने देख रहे होंगे आप ये, तो इस तरीके से नज़ारा है देख सकते हैं। और इधर की तरफ जहाँ पे मेरा कैमरा इधर की तरफ धूप बड़ी अच्छी लग रही है इस टाइम और इधर भी धूप है लेकिन इधर की तरफ धूप नहीं है, इधर की तरफ आप देख सकते हैं तो इधर की तरफ धूप नहीं है ये। तो फाइनली अभी जो है मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट कर लिया, अगर लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।